Hello everybody, welcome back to NEETPOT. My name is Absar Alhaman, you are watching NEETPOT. In the last lecture, we discussed about the mode of nutrition in bacteria. Today in this lecture, we'll discuss about the reproduction in bacteria. Basically, there are two types of reproduction in bacteria. One is asexual and another one is genetic recombination. So let's start with the reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria. जैसे कि मैंने कहा कि reproduction की अगर हम लोग बात करें bacteria की, तो ये दो तरीके से होती हैं या दो type की होती हैं generally. एक को हम लोग बोलते हैं asexual reproduction. और दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि वो कैसे होता है. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भी दो टाइप की होती है. एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है बाई स्पोर फॉर्मेशन या बाई स्पोर. ये अगर हम लोग बाइनरी फिशन की बात करें, तो बाइनरी फिशन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन बैक्टीरिया. मोस्ट कॉमन मेथड ये. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह फेवरेबल कंडीशन में होता है. सो इन फेवरेबल कंडीशन ये. और दूसरी बात यह है कि फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ इसमें देखा जाता है ऑल डीएनए रेप्लिकेट्स. यानी जितने भी डीएनए होते हैं, डीएनए की मात्रा होती है, वो सारा का सारा रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जाता है. और फिर लास्ट में इसमें साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस और फिर टू बैक्टीरियल डाउटर सेल्स बन जाती है. डाउटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो इस तरह से बाइनरी फिशन की हम लोग बात करते हैं. याद रखना है आपको, इसमें कॉमन मेथड, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, डीएनए रेप्लिकेट्स करता है, साइटोकाइनेसिस भी होती है, और अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल सेल है वो दो डाउटर सेल का फॉर्मेशन करती है. अब हम लोग बात करते हैं बाई स्पोर फॉर्मेशन. तो पहली बात तो ये है कि बाई स्पोर फॉर्मेशन में आप ये चीज़ याद रखिए कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. सो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. दूसरी बात ये है कि ये स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है. और ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम लिपिक कोलिनेट इन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में लिपिक कैल्शियम लिपिक कोलिनेट जो कंपाउंड होता है, उसके पाए जाने की वजह से जो हार्डनेस होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो डेवलप हो जाता है. और ये किस किस चीज को रेजिस्ट करता है? सो रेजिस्टेंट टू, जैसे कि अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, प्रेशर, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो केमिकल, एंटीबायोटिक्स, इन सारे कंपोनेंट्स को रेजिस्ट करता है.
तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इस तरह से रिप्रोडक्शन देखा जाता है बैक्टीरिया में। अब हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे डीएनए पाया जा रहा है, सर्कुलर डीएनए, और यहाँ कहीं स्पोर का फॉर्मेशन होता है लेट्स से, या यूं कह लें कि ऐसे प्लाज्मिड पाया जा रहा है और इसके चारों ओर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। चूँकि अनफेवरेबल कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो दिस इज़ द वे जो कि हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है, और फिर बाद में चल के यही जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन समाप्त होने लगता है या यूँ कह लें कि इसका मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन होना रखता है तो ये स्पोर हट जाता है और फिर वापस से दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। तो जनरली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं। पहला तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, और लास्ट में है कॉन्जुगेशन। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये आपको याद होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने दिया था इस एक्सपेरिमेंट को और उन्होंने कहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एक जेनेटिक, एक डीएनए दूसरे सेल के डीएनए को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जनरली करता क्या है कि वन जेनेटिक मटेरियल या ऐसे लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर बैक्टीरियम। इस तरह से ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट इसमें फिट बैठता है, यानी एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को या एक बैक्टीरियम जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसडक्शन की, जिसको दिया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। के द्वारा दिया गया था ट्रांसडक्शन, और उसमें जनरली क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया बैक्टीरियोफाज। ये और लास्ट में है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जनरली अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्जुगेशन को। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरियम है, एक में जो एफ फैक्टर पाया जाता है जिसे एफ प्लाज्मिड भी कहा जाता है, और दूसरा जिसमें नहीं पाया जाता उसको एफ नेगेटिव कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि वॉज एक्सप्लेन्ड बाई लेडरबर्ग एंड टॉटम इन ई कोलाई में इन दोनों ने बताया था। और इसमें क्या होता है, जो वन बैक्टीरियम इज डोनर, जिसे हम लोग एफ पॉजिटिव कहते हैं, और अनदर वन
इज रिसिपिएंट, जिसे एफ नेगेटिव से शो किया जाता है। ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव इसलिए कि इसमें एफ फैक्टर पाया जाता है, एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, और इसमें एफ फैक्टर एब्सेंट होता है, इस तरह से। अब बात करते हैं दोनों बैक्टीरिया जो होता है आपस में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा संबंधित होते हैं या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, और जैसे कि आपको पता है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, और ये लेट्स से ये एफ पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव दिस इज मेल, और ये एफ प्लाज्मिड है इसमें, और दूसरा इसमें एफ, ये एफ नेगेटिव है यानी फीमेल है, और इसमें जो है नहीं पाया जाता है क्या एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है, और ये जो बैक्टीरिया है लेट्स से इन दोनों के बीच में यहाँ पे एफ प्लस वाला है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसका ट्रांसफर होता है इसमें, जिसकी वजह से ये एफ, या जैसे ही एफ फैक्टर आता है तो नाउ अब जो मिलता है वो इस तरह से, इसमें भी एफ फैक्टर पाया जाएगा और इसमें भी एफ फैक्टर पाया जाएगा, और अब इस केस में ए बी एफ पॉजिटिव और ए बी एफ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो एफ पॉजिटिव है यानी एफ प्लस है, ये रिसिपिएंट में जैसे आया तो इसे भी एफ पॉजिटिव कर दिया। सो इस तरह से कॉन्जुगेशन होता है, और कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। अब हम लोग बात करते हैं इससे आए हुए एक क्वेश्चन की, या एक क्वेश्चन की संभावना है कि नीट में आपको पूछा जा सकता है। सो आइए देखते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन डज नॉट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें? तो ऑप्शन ए है स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी है सेल इलोंगेशन, और ऑप्शन डी है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आपको पता है अभी मैंने कहा साइटोकाइनेसिस भी होता है, सेल इलोंगेशन जब तक बढ़ेगा नहीं तो सेल डिवाइड कैसे करेगा, और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है बाइनरी फिशन में। तो आंसर इज स्पिंडल फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है और उसके कितने टाइप्स है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होता है, उसके सेवरल टाइप्स कैसे हम लोग समझ सकते हैं, किस तरह से हमें वो हार्म करता है, किस तरह से वो हमें बेनिफिट पहुँचाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।